हे गाइज वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइज स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अल्टीमेट मूवीज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ साउथ की टॉप 6 बेहतरीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन थ्रिल मूवी जो हिंदी में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों की इनमें से लगभग सारी मूवी आपको हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भी साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत काम आएगा। तो चलिए दोस्तों अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले नंबर 6 पर है साल 2020 में रिलीज तमिल लैंग्वेज की मूवी डैनी। ये मूवी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन थ्रिल मूवी है जिसमें वरला लक्ष्मी, विनोद किशन जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 67% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की पूरी कहानी एक पुलिस ऑफिसर कुंथा बाई के आस पास घूमती है जिसे एक पेचीदा हत्या का केस का मामला सौंपा जाता है। जिसके बाद कुंथा भाई अपने डॉगी डैनी के मदद से ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब हत्या कौन कर रहा है। तो अब आगे कहानी में आपको यही देखना होगा कि इन सारे हत्याओं के पीछे क्या एक सीरियल किलर का हाथ है या फिर कोई और, यही सब आपको इस मूवी में देखना है। तो फिल्म अच्छी है, देखने लायक है, जगह जगह पर आपको सस्पेंस देखने को मिलेगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। तो अगर आपने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मूवी आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। तो गाइज नंबर 5 पर है साल 2022 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की मूवी पुलिस वाले की खोज। ये भी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन थ्रिल मूवी है जिसमें धनराज, सुनील, चांदनी तमिल, रसन जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 74% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की पूरी कहानी में एक डॉक्टर की पत्नी अचानक गायब हो जाती है जिसको ढूंढने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को लगाया जाता है। लेकिन आगे कहानी में मोड़ तब आती है जब डॉक्टर की पत्नी की खोज करते समय पुलिस को एक चौंका देने वाले रहस्य के बारे में पता चलता है। तो अब आगे कहानी में पुलिस को ऐसी कौन सी रहस्य के बारे में पता चलता है ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। ये भी एक अच्छी फिल्म है। इस फिल्म का भी कहानी जबरदस्त है। इस फिल्म में भी आपको सस्पेंस के साथ साथ एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। तो अगर आपने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो ये भी फिल्म यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज नंबर 4 पर है साल 2020 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की मूवी गथम। ये मूवी एक मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिल मूवी है जिसमें पूजिता कुरा, पार्थी भारगव जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वही 78% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात कर रहे फिल्म की कहानी की तो फिल्म की पूरी कहानी एक कपल के आसपास घूमती है जो कि एक दिन एक रोड ट्रिप पर जाते हैं। लेकिन आगे कहानी में मोड़ तब आती है जब उनकी कार अचानक खराब हो जाती है और वे लोग बीच रोड पर ही फंस जाते हैं। बाद में वे लोग एक अजनबी से मदद लेते हैं लेकिन इसके बाद वे लोग एक भयानक स्थिति में फंस जाते हैं। तो अब आगे कहानी में क्या कुछ होता है, क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। ये भी एक अच्छी फिल्म है। इस फिल्म का भी कहानी जबरदस्त है। इस फिल्म में भी आपको जगह जगह पर सस्पेंस देखने को मिलेगी जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। तो अगर आपने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको Netflix और प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप वहां से इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइज नंबर 3 पर है साल 2017 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की मूवी सिनेमा हॉल। ये मूवी एक मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिल मूवी है जिसके लीड रोल में अली रेजा, तेजस्विनी प्रकाश जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 88% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात कर फिल्म की कहानी की तो फिल्म की पूरी कहानी कृष्णा नाम के एक व्यक्ति के आसपास घूमती है जो कि एक थिएटर चला रहा होता है। लेकिन आगे कहानी में मोड़ तब आता
आती है जब उस थिएटर में एक के बाद एक कई सारी हत्याएं होने लगती है, जिसके बाद लोग थिएटर में आना बंद कर देते हैं। तो अब आगे कहानी में आपको यही देखना होगा कि थिएटर में होने वाली मौत के पीछे कौन है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। फिल्म अच्छी है, देखने लायक है और ये फिल्म यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। तो अगर आपने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइड नंबर 2 पर है साल 2020 में रिलीज तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉम्बहट। ये मूवी एक साईफाई एक्शन थ्रिल मूवी है जिसके लिए में साई सुशांत, श्रीमान चौधरी जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 73% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की पूरी कहानी विक्की नाम के एक लड़के के आसपास घूमती है जो कि एक अनलकी लड़का है। लेकिन जब माया नाम की लड़की उसका साथ देती है तो उसका लक भी उसका साथ देने लगता है। लेकिन आगे कहानी में मोड़ तब आती है जब एक आदमी की हत्या हो जाती है और एक के बाद एक कई सारे रहस्य का पता चलता है। तो अब आगे कहानी में मरने वाला व्यक्ति कौन है और आगे कहानी में विक्की के साथ क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस पूरी मूवी को देखनी होगी। ये भी एक अच्छी फिल्म है, इस फिल्म का भी कहानी जबरदस्त है। इस फिल्म में भी आपको जगह जगह पर सस्पेंस देखने को मिलेगी और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगी जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर करेगी। तो अगर आपने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी YouTube पर ही अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो फाइनली गाइड नंबर 1 पर है साल 2021 में रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज की मूवी रुद्रा थंडवम। ये मूवी एक मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिल मूवी है जिसके लिए में गौतम वासुदेव, ऋषि जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 78% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की पूरी कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के आसपास घूमती है जिन पर एक मर्डर केस का इल्जाम लगा हुआ है। तो अब आगे कहानी में आपको यही देखना है कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे और असली अपराधी को कैसे पकड़ेंगे, यही सब आपको इस मूवी में देखना है। तो अगर आपने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो ये मूवी YouTube पर ही अवेलेबल है, लेकिन इस मूवी को देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।